अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी डर्माकोस फेशियल के बारे में, बताएंगे डर्माकोस फेशियल कैसा है, क्या इसकी प्राइस क्या है। इस वीडियो में टोटल सीखेंगे कि डर्माकोस फेशियल कैसा है और क्या ये सलोन में हमें रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा, इस कोई भी लड़की, कोई भी किसी भी ट्रेनिंग किसी भी इदारे में जाती है जहाँ पर ये सलोन का सिखाया जाता है, ब्यूटी पार्लर का सिखाया जाता है, यानी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको 3 मंथ 1 ईयर का आपको कोर्स करवाया जाता है या 1 मंथ का भी आपको कोर्स करवाया जाता है, तो उसमें बेसिक फेशियल्स बताए जाते हैं। ठीक है, ये वाले फेशियल आपके पास होने ही चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम कोई स्टडी में या कुछ पढ़ते हैं तो उसमें हमारे बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, यानी जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे लिए जो है लाजिम होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो समझ लेंगे, ये वाले जो फेशियल है ना, ये लाजिम है, यानी ये अगर आपके सलोन में होंगे तो आपका सलोन आगे रनिंग करेगा, लोग आएंगे आपके फेशियल का रिजल्ट देख के आएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से ही मेरी बात से आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि ये डर्माकोस फेशियल कैसा है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगी, वीडियो एंड तक लाजिम देखा करें, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है मेरी, और मैं साथ साथ एक्स्ट्रा टिप देती हूँ अबाउट एक्नी, अबाउट पिगमेंटेशन, अबाउट फ्रैकल्स, मिलाज़मा वगैरह वगैरह वगैरह, एंड मेकअप जो है, मेकअप के बारे में गाइडलाइन देती हूँ कि किस तरह से आप जो है आपके पास अच्छा मेकअप होना चाहिए, कौन जब आप फर्स्ट टाइम लोगे ना तो सबसे पहले आपने 2 चीज़ें लेनी है उसमें। ठीक है, 5 स्टेप जो मेन, अगर आपने फेशियल खरीदना है, परचेज करना है, 5 स्टेप हर स्टेप, यानी ये जैसे मेरे पास है ना डर्माकोस का क्लिंजर। ठीक है, अब ये क्लिंजर है, यानी पहले ये स्टार्टिंग में, यानी 5-6 साल पहले की बात है, तो ये मिलता होता था, यानी 350 रुपीज़ 450 रुपीज़ में ये मिलता था। अब ये वाला जो है ये मिल रहा है 550 रुपीज़ में, 650 की रेंज में आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब 550 जो है ना बेसिक है, यानी कि आपके आपको ज़्यादा किसी स्टोर से अगर मिलेगा तो ये 550 की रेंज में मिलेगा। अब 550 की रेंज से आप 5 स्टेप को जो है ना वो खुद ही हिसाब लगा लो कि 5 स्टेप आपके कितने बनेंगे, कितने के बनेंगे। ठीक है, इस हिसाब से ये आपको फेशियल मिलेगा। अच्छा, इस फेशियल की खासियत जो सबसे ज़्यादा अच्छी है ना, वो ये कि जिन लोगों के सलोन है ना, जिन गर्ल्स के सलोन है या बॉयज़ के सलोन है, तो सलोन में बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर सलोन में रखें इसका फ़ायदा ये हो जाता है, यानी अगर आपका ये फेशियल बना है ना 2000 की रेंज में। ठीक है, यानी 4 स्टेप लेते हैं तकरीबन, ये आपका 2000 जो है ना 500 रुपीज़ में ये बनेगा। तो इसमें आपके जो फेशियल हैं, अब ये फेशियल कोई भी किसी भी सलोन पे जो है फेशियल, इसकी प्राइस जो चार्ज की जा रही है गाइस, जस्ट इसकी डीप क्लिंजिंग वो 1000 इसकी डीप क्लिंजिंग चार्ज की जा रही है, और अगर आप पूरा फेशियल इसका करते हो, यानी सिंपल वाइटिंग फेशियल जिसमें आपने स्किन पॉलिशर यूज़ नहीं करना होता, ठीक है, तो उसके लिए ये आपका 2000 चार्ज किया जा रहा है सलोन पर। और अगर कंप्लीट वाइटिंग फेशियल विद स्किन पॉलिशर के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसका जी अब जो है ना, अब जो सलोन पे चल रहा है वो है 3000 की रेंज में फेशियल, आपका फेशियल हो रहा है। तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि अगर आप इस फेशियल को ख़रीदते हैं, तकरीबन जो है ना 5 स्टेप खरीद लेते हैं और रख लेते हैं, ये आपका फेशियल ऐसा है, ये कुछ इस तरह से खोल के भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जल्दी ना ख़त्म होने वाला, मैंने इसको कैसे निकाला हुआ है, इसको नहीं देखना आपने गाइस। तो इस तरह से इसका अंदर से ये कुछ टेक्सचर है, टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, चलो क्या याद करेंगे, कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि याद रहे, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, इस फेशियल को आप किसी भी स्किन पर यूज़ करोगे, आप जब न्यू हो ना, यानी आप न्यू आपने सलोन स्टार्ट करना है या मैं स्टार्ट घर से कर रहे हैं, तो फिर बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये आपके पास किसी भी टाइप की स्किन आ जाएगी ना, किसी भी टाइप की, तो ये आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी बाई चांस ऐसे भी हो जाता है जब न्यू बंदा सीखता है, उससे काफ़ी मिस्टेक हो जाती है, उसको पता नहीं चलता तो कौन सी चीज़ कैसे लगानी है, अगर उसे गलत भी हो जाता है, वो सही नहीं यूज़ करता, तब भी इसका एक तो आपको, आपका कस्टमर जो है ना वो आपसे खुश होके ही जाएगा हर हाल में। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जो है ना, इन्होंने टेक्सचर जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिया होता है प्राइस के हिसाब से, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एक तो ये आपका लॉन्ग टाइम में चलेगा, दूसरा ये कि कूलिंग इफेक्ट देता है ये, और अब जब यानी कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हीट कर रही है, जब आपके पास कस्टमर आता है उसकी स्किन को आपने चेक कर लेना, सबसे पहले आप उसकी स्किन हीट कर रही है ना, समझ ले उसके लिए ये फेशियल इस कदर बेस्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती।
कि एक तो ये आपकी स्किन से हीटिंग खत्म करता है, अगर वैसे भी अगर आपका सलोन नहीं है गाइस तो ये जस्ट डर्माकोस का क्लिंजर ही रख लें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर जो मैंने वो एलोवेरा वाला जो दिया ना होम रेमेडी, ठीक है, उसमें मैंने बताया था इधर लग गया, आपको दिखाते दिखाते हमारे साथ क्या क्या हो जाता है। अच्छा तो चले कोई बात नहीं, मैं इसको साफ कर लूँगी। तो मैं ये बता रही थी कि जो एलोवेरा वाली मैंने होम रेमेडी बताई थी उसमें मैं बता रही थी कि ये जो डर्माकोस का क्लिंजर है इसके साथ फेस वॉश करके फिर वो रेमेडी यूज़ करें, आपकी जो फ्रैकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, सारा कुछ वो यू रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मजीद आपने कोई इसके बारे में पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी जो स्किन पॉलिशर है गाइस उसमें तकरीबन सूथिंग लोशन, स्किन शाइनर, बूस्टर, टोनर, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर इसका जो है इसके साथ जो यानी कि जो आपका पाउडर होता है वो अलग, ठीक है, और इसका जो एक्टिवेटर है वो अलग। ये टोटल यही फाइव जो स्टेप हैं वो बन गए इसके स्किन पॉलिश के, और जो है फाइव स्टेप ही आपके बन गए फेशियल के। तो इस तरह से आप अगर सारा ख़रीदेंगे तो वो तो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो आपने स्टार्ट लेना है तो मेरा मशवरा ये है एक ख़रीद लें क्लिंजर, स्क्रब, इसका क्ले मास्क एंड मसाज क्रीम, फोर स्टेप फोर हो गए, और डर्माकोस का स्किन टोनर, ठीक है, ये हो गए फाइव स्टेप। इस फाइव स्टेप के साथ आप कोई भी फेशियल करेंगे तो आपको आपका कस्टमर जो है ना आपसे खुश हो के ही जाएगा, ठीक है। ये था मेरी तरफ से छोटा सा रिव्यू, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद कोई क्वेश्चन होता मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं मेरे से कोई भी मेरी प्यारी सी सिस्टर, कोई भी बहन, कोई भी जो भी मुझसे हेल्प लेना चाहे किसी किस्म की भी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसकी हेल्प करूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।